स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इस लेक्चर में हमने एग्जांपल्स को सॉल्व करना है पूरे चैप्टर नंबर 6 में। कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी मैंने आप लोगों की जो है वो सिमिलर है पुरानी बुक के, तो मैं एडिट करके साथ लगा दूंगा और बाकी एग्जांपल्स जो है मैं सॉल्व करवा दूंगा। कुछ तो बड़ी ईजी है, वो तो आप लोग खुद कर लेना। जैसे 6.1 से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं बड़ी ईजी हैं, 6.2 की अगर आप आओ तो सबसे ईजी एग्जाम्पल्स है सारी पेज नंबर 185 पे। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 बहुत इजी एक्सरसाइज है। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो इंशाल्लाह मैं एडिटर के साथ लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 5 मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 5 ऑन पेज नंबर 186। अगर आप इस पे आओ तो सिंपल एक कंडीशन आपको क्या लिखी हुई है कि इफ np3 इज इक्वल टू 12 टाइम्स n अपॉन 2 p3, तो इस कंडीशन से आपको n निकालना है। तो सॉल्यूशन सिंपल क्या होगा, परमुटेशन का फॉर्मूला लगाना, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। अच्छा, ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई, इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा n अपॉन 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n अपॉन 2 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करने का तरीका यहां पे क्या होगा, आपने बस इसको सिंप्लीफाई करके कैंसिल करना है, बस ये आपका काम है। कैसे कैंसिल करोगे, इसको आप लिख सकते हो n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, और जो n माइनस 3 फैक्टोरियल होगा वो नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पहले बहुत दफा दी है। यहां पे क्या होगा, ऊपर आएगा n अपॉन 2, फिर होगा n अपॉन 2 माइनस 1, फिर होगा n अपॉन 2 माइनस 2, और जो n अपॉन 2 माइनस 3 फैक्टोरियल होगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये सिचुएशन आपके पास आ जाएगी। अब नॉर्मली आप क्या कैंसिल कर सकते हो, सबसे पहले चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 12 और नीचे वाले अगर आप एलसीएम लो ना, तो ये हो जाएगा n, इस 2 को मल्टीप्लाई करवा दो हो जाएगा n माइनस 2, इसको करवा दो ये हो जाएगा n माइनस 4, और नीचे वाले 2 जो है सबके एक साथ में लिख देता हूं यहां पे 8 करके, ठीक है। तो आप कैंसिल करो, जैसे ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, यहां पे लिखा हुआ है n माइनस 1 n माइनस 2। अरे यहां पे देखो n कैंसिल हो रहा है, नॉर्मली इस असूल को याद रखो, आप वेरिएबल को कैंसिल नहीं करते, इस असूल को याद रखो। अगर आप दोनों तरफ n को कैंसिल कर रहे हो ना, तो ये समझ लो कि इसकी एक वैल्यू जीरो आ रही थी n की, मतलब आप जब इक्वेशन को सॉल्व करते हो ना, जब आप वेरिएबल्स को कैंसिल करते हो तो इक्वेशन की डिग्री कम होती जाती है, जितनी डिग्री कम होगी उतनी कम वैल्यूज आएंगी। तो यहां पे वेरिएबल्स को नॉर्मली हम कैंसिल करते नहीं है, लेकिन यहां पे n को कैंसिल करने की वजह यह है कि अगर दोनों तरफ n होता है ना, जब आप उसको कैंसिल करते हो, इसका मतलब अगर आप उसको रखते ना तो n की वैल्यू एक जीरो आ रही होती है, तो जब आप कैंसिल करते हो तो वो जीरो वैल्यू खत्म हो जाती है। इसको आप इस तरह समझो कि अगर आपके पास एक ऑलरेडी इक्वेशन है ये वाली, माने इसको एक इस तरह समझते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास देखा हुआ 2x² = 3x, मैं कहता हूं मैं x को कैंसिल कर देता हूं, पीछे बचेगा 2x = 3, x आ जाएगा 3/2। तो हकीकत में x की दो वैल्यूज आनी चाहिए थी, लेकिन x की एक वैल्यू आई है, तो जो दो वैल्यूज आनी चाहिए थी ना उसमें दूसरी जो है वो जीरो है। जब आप x को कैंसिल करते हो ना, जिस वेरिएबल को कैंसिल करते हो, सिंपल x को अगर आप कैंसिल कर रहे हो या x² को अगर आप कैंसिल कर रहे हो, तो जो वैल्यू आपकी हटती है ना वो जीरो वाली होती है, क्योंकि अगर आप इसको कैंसिल ना करते ये सिचुएशन बनती, ठीक है। आप यहां से x कॉमन लेते ये बनता, वही बात x को जीरो के बराबर रखो तो एक वैल्यू जीरो आ रही होगी। तो यहां पे जो मैंने n को कैंसिल किया ना, इसका मतलब एक n की वैल्यू मैं खा गया हूं, वो n की वैल्यू जीरो थी, जो कि मेक सेंस नहीं कर रहा है, n जीरो नहीं हो सकता, तो वो तो मैं कैंसिल कर सकता हूं। इसी तरीके से मैं n माइनस 2 को भी कैंसिल कर सकता हूं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन यहां पे आप कैंसिल कर सकते हो, उसकी वजह क्या है जरा वजह सुन लो। जब आप दोनों तरफ इसको इस तरह समझो, जब आपने n को कैंसिल किया था ना, तो ये एक्सप्रेशन लिखी हुई थी, ये n को मैं लिख सकता हूं ना n माइनस 0, जैसे ये n माइनस 1 n माइनस 2 है ना, तो इस n को आप लिख सकते हो n माइनस 0, इसको लिख सकते हो n माइनस 0। तो मैंने दोनों तरफ n माइनस 0 को कैंसिल किया था, तो मैं कौन सी वैल्यू खा गया, इस n माइनस 0 को 0 के बराबर रखो, इसका मतलब n की जो 0 वैल्यू थी उसको मैं खा गया हूं। अगर मैं दोनों तरफ n माइनस 2 को कैंसिल करूंगा, इसका मतलब मैं n की कौन सी वैल्यू को खा गया हूं, मैं n की 2 वैल्यू को खा गया हूं। तो n माइनस 2 को भी आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू मेक सेंस नहीं कर रही, आप यहां पे n की जगह 2 पुट नहीं कर सकते, तो आप यहां पे n माइनस 2 को भी कैंसिल कर सकते हो, तो पीछे आपके पास क्या बचेगा। अच्छा, बुक वालों ने कैंसिल नहीं किया हुआ, अगर आप देखो उन्होंने n माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया हुआ है, कैंसिल नहीं उन्होंने जस्ट n को कैंसिल किया हुआ है। तो भाई अगर आप n को कैंसिल कर सकते हो तो n माइनस 2 को भी कर दो, और ये स्टेप कैंसिल करने के बाद आप लिख सकते हो कि सिंस n नॉट इक्वल टू 0 और 2, कि भाई n 0 2 के बराबर हो ही नहीं सकता, दैट्स व्हाई मैंने n और n माइनस 2 को दोनों तरफ कैंसिल कर दिया, वरना
कैंसिल करने का नुकसान होता है, कोई वैल्यूज आप मिस कर देते हो ना, लेकिन जो वैल्यू आपने मिस किए वो आपके इस सवाल को मेक सेंस नहीं कर रही। मसला इक्वेशन सॉल्व करना नहीं, मसला एन की वैल्यूज निकालना है। तो आपने उन वैल्यूज को एलिमिनेट किया जो मेक सेंस नहीं कर रही थी, तो अलाउड है बिल्कुल। हाँ, अगर ये सवाल होता कि इक्वेशन को सॉल्व करो फिर तो बात गलत हो जाती, आपने इक्वेशन की वैल्यूज को ही खाते जा रहे हो आप। तो इन चीजों में थोड़ा बहुत फर्क है। तो जब आप कैंसिल करोगे यहां बचेगा एन माइनस वन, ये होगा 3/2, पीछे बचा एन माइनस फोर। सॉल्व करो जाएगा 2n-2, ये हो जाएगा 3n-12। 2n को उधर ले जाते हैं, -12 को उधर ले आते हैं, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 10 आ रही है। अगर आप ऑब्जर्व करो, बुक ने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो एक 10 आ रही है और एक 2 आ रही है, ये वही 2 था। कि अगर आप n माइनस 2 को कैंसिल ना करते ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होती, सॉल्व करते एक 2 वैल्यू आती और एक आपके पास 10 वैल्यू आ रही है। तो बाद में वही लिखा हुआ कि एन जो है वो अलाउड नहीं है यहाँ पे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे n अगर आप पुट करोगे तो 2p3 हो जाएगा, 2p3 की तो सेंस ही नहीं बनती। ये नंबर जो है वो हमेशा 3 से ग्रेटर ही होना चाहिए, 3 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन फिर वो यहाँ पे मेक सेंस नहीं करेगा। n की वैल्यू 3 भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पे पुट करोगे तो 3/2 हो जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगी आपकी, ये भी मेक सेंस नहीं कर रहा। तो कहने का मतलब यह है कि आप इसको कैंसिल करके सॉल्यूशन को थोड़ा इजी करके सॉल्व कर सकते हो। और आगे मेंशन कर देना कि मैंने जब ये कैंसिलेशन की है, जब आप दोनों तरफ किसी फैक्टर को कैंसिल करते हो ना तो जो वैल्यू आपने मिस की है वो आसानी से आप मालूम कर सकते हो ना, इक्वल टू जीरो रख के आप वो वैल्यू मालूम कर लो। बिल्कुल, अगर यहाँ पे एन माइनस फोर होता, यहाँ पे भी एन माइनस फोर है, अगर मैं दोनों तरफ एन माइनस फोर को कैंसिल कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं एन की 4 वैल्यू को खा रहा हूँ जो एंड पे आनी चाहिए थी लेकिन मैंने उसको खा गया, तो यह मालूम कर सकते हो। तो आपको बस जब पता हो तो इसका मतलब कोई इशू नहीं है। हालांकि सवाल बड़ा इजी था, लेकिन मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट दिया पूरा, ये कॉन्सेप्ट काफी काम आएगा अपने पास, याद रखना इसको, मैं एंड पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद जो आपकी बुक में एग्जांपल है, पेज नंबर 187 पे एग्जांपल नंबर 1 है, बहुत इजी है। एग्जांपल नंबर 2 जो है ये मैं आप लोगों को एडिट करके लगा दूंगा, ये भी मौजूद है मेरे पास, लेकिन ये तो हाँ सही, ये मौजूद है, ये मैं एडिट करके साथ लगा दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 4 ऑन पेज नंबर 186, एग्जाम्पल नंबर 2 ऑन पेज 187, ये जब मैं खत्म कर लूंगा ना तो साथ एडिट करके लगा दूंगा, परमोटेशन की एक साथ सारी लगा दूंगा मैं। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 जो है ये भी एडिट करके साथ लगा दूंगा पेज नंबर 188 पे। अच्छा, फिर 189 पे एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत इजी है, पेज नंबर 190 पे एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत इजी है, एग्जाम्पल नंबर 2 भी बहुत इजी है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा हुआ है हाउ मेनी वेज कैन फिजा टेक वन बॉल और ग्रीन बॉल, और जो पूरी सिचुएशन लिखी हुई, ये सवाल नॉर्मली कॉम्बिनेशन के होते हैं, परमोटेशन के नहीं होते, क्योंकि जब आप ये बेसिकली सिलेक्ट कर रहे हो ना आपके आपके पास इतनी बॉल्स है, आप उसमें से रेड उठा रहे हो या येलो उठा रहे हो, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन आप यूज करते हो, लेकिन जब एक बॉल आप उठा रहे होते हो ना तो कॉम्बिनेशन और परमोटेशन में फर्क नहीं होता। लेकिन इस चीज को ध्यान में रखना, अगर यही सवाल होता ना, लिखा होता है हाउ मेनी वेज कैन फिजा टेक 2 रेड बॉल फॉर एग्जाम्पल 3 येलो बॉल एंड 1 ग्रीन बॉल, तो आप कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि असल ये कॉम्बिनेशन का ही सवाल है, परमोटेशन के तौर पर कर दो फर्क पड़ेगा नहीं। परमोटेशन ना भी करो वैसे भी ऑब्वियसली बात है, भाई 4 रेड है उसमें से एक उठानी तो 4 तरीके से आप उठा सकते हो, 3 येलो है 3 में से एक उठानी है 3 तरीके से आप उठा सकते हो, लेकिन अगर होता 4 रेड और आपने 2 उठानी है तो अब बात डिफरेंट हो जाती, क्योंकि हम यहाँ पे जब ये सिलेक्शन वाला काम होता है हम यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होता, आप पहली रेड बॉल को उठाओ या दूसरी रेड बॉल को उठाओ ये बराबर है कि आप दूसरी को उठाओ पहली को उठाओ, मैटर क्या कर रहा होता है आपके पास आया क्या है। हाँ, अगर ये प्रोबेबिलिटी होती वहां पे ये कॉन्सेप्ट था थोड़ा डिफरेंट, कहीं पे ये ऑर्डर मैटर कर रहा होता था कार्ड्स के अंदर, लेकिन नॉर्मली सिलेक्शन कॉम्बिनेशन वाले सवाल जो होते हैं उनमें मैटर नहीं कर रहा होता, तो आप कॉम्बिनेशन ही यूज करते हो इन किस्म के सवालों के अंदर, लेकिन यहाँ पे इतना फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 है पेज नंबर 190 के ऊपर, ये एग्जैक्ट पुरानी बुक में मौजूद थी, शायद वैल्यूज का थोड़ा फर्क है, एग्जैक्ट यही सिचुएशन थी, तो आप उसको देख लेना आपको समझ आ जाएगी। तो मैं एडिट करके सारी परमोटेशन की एग्जाम्पल जो मैंने बोली है वो मैं लगा दूं। और एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा है, अगेन ये सवाल आप परमोटेशन से भी कर सकते हो, प्रोडक्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हो, पेज नंबर 225 लिखा हुआ है हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी मेड विद 5 फ्लैग्स, आपके पास फ्लैग्स कितने हैं, नंबर ऑफ फ्लैग्स आपके पास है 5 ऑफ डिफरेंट कलर, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डिफरेंट है वो आपस में, बाय होस्टिंग 1 or 2 or 3 or 4 और ऑल ऑफ देम मतलब 5 वन अबव द अदर। कहने का मतलब यह है कि बच्चों आपके पास 5 फ्लैग है, आपने सिग्नल बनाने, वो कह रहे हैं एक झंडे से भी आप सिग्नल बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी नहीं मुझे पता लेकिन पहले जमानों में ऐसे होता था, अभी भी मैंने देखा है कि यार सिंपल एग्जाम्पल लो ना, कभी रोड का काम चल रहा होता है तो आपने देखा होगा एक बंदा खड़ा होता है रेड झंडा लेके, हम करके बताना चाह रहे थे भाई कुछ काम चल रहा है यहाँ पे,
रेड का मतलब क्या है भाई, इंसान के बच्चे बन जो यहां से नहीं आना, थोड़ा साइड से निकलो, काम चल रहा है यहाँ पे। तो एक फ्लैग से आप सिग्नल बना सकते हो, जैसे पुराने जमानों में मेरे ख्याल में आपने अपना झंडा खड़ा, जैसे दो लड़ हैं तो उन्होंने अगर अपना झंडा अपना खड़ा कर दिया, इसका मतलब उसका सिग्नल क्या है कि यार वो जीत रहे हैं। फिर उनको गिरा के कोई अपना खड़ा कर रहा है, इसका मतलब वो जीत रहे हैं। तो एक मतलब वो झंडा खड़ा करते थे, एक सिग्नल आपको मिलता था कि यार वो चीज जीत रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आप ये समझ लो कि अगर आप ट्रैफिक पे जाते हो, आपके पास लाइट्स है ना, कंसीडर करो पुराना जमाना है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आप फ्लैग से बना रहे हो, तो एक ग्रीन फ्लैग है, एक येलो फ्लैग है, एक रेड फ्लैग है, ठीक है। तीन फ्लैग से आपने एक सिग्नल बना दिया, एक फ्लैग से भी आप सिग्नल बना सकते हो, कुछ सिचुएशन में दो फ्लैग से भी आप कुछ सिग्नल बना सकते होगे, चार फ्लैग का भी कुछ सिग्नल बन सकता है, पांच फ्लैग का भी कुछ सिग्नल बन सकता है। अगर आप ऑब्जर्व करो और आएगा, तो कहने का मतलब है कि या तो एक फ्लैग से सिग्नल बनाओ, या कोई ऐसा सिग्नल बनाओ जिसके लिए दो फ्लैग चाहिए, या कोई ऐसा सिग्नल बनाओ जिसके लिए तीन चाहिए। जैसे आप ट्रैफिक में देखते हो उसमें तीन चीजें चाहिए होती हैं, एक से सिग्नल नहीं बनेगा, खाली रेड बत्ती चल जाए, रेड को बंद खोल करोगे तो वो मजा नहीं आ रहा सिग्नल का। हाँ, रेड चल रही है रुको, येलो चल रही है तैयार हो जाओ, ग्रीन चले जाओ। हमारा क्या होता है, हमारा रेड बनती है तो बड़ी मुश्किल से हम रुकते हैं, तो देखते हैं। हमारे यहाँ रेड का मतलब ये होता है कि अगर कोई सामने कोई देख नहीं रहा आपको तो निकल जाओ, येलो का मतलब होता है कि निकल जाओ, येलो हाँ हमारे ही मतलब होता है कि अगर बिलफर्ज आप रेड पे रुक गए ना तो फिर येलो का मतलब है भाई निकल जाओ, और ग्रीन का मतलब है भाई गए नहीं आप अभी तक, चले जाओ, ये मतलब है हमारे यहाँ। असूली तौर पर तो ग्रीन पे निकलना चाहिए, अगर कोई रेड पे रुक जाता है तो येलो भी निकल जाते हैं यहाँ पे। तो पर खैर तीन फ्लैग आप ही समझ लो कि सिग्नल बनाए हुए तीन फ्लैग से। तो इस किस्म के आपको डिफरेंट सिग्नल बना रहे हैं, तो आपसे पूछ रहे हैं कि कितने वेज इस तरह के बन सकते हैं, ये आपको निकालना है। तो आप ये कह सकते हो कि सिग्नल्स मे बी कंसिस्ट ऑफ वन और टू और थ्री और फोर और फाइव फ्लैग्स, ठीक है। अब आप नंबर ऑफ सिग्नल निकाल लो, ये जब आपने कंडीशन मेंशन कर ली है, अब आप नंबर ऑफ सिग्नल निकाल लो। सबसे पहली पॉसिबिलिटी, अच्छा आप प्रोडक्ट प्रिंसिपल से कर सकते हो इसको। प्रोडक्ट प्रिंसिपल में सबसे पहली चीज क्या है कि आपने एक का बनाना है, तो एक ही प्लेस है भाई, एक प्लेस पे पांच में से कोई भी आ सकते हैं, पांच वेज है, ठीक है। प्लस अब दूसरी पॉसिबिलिटी को देखते हैं कि अगर आपने दो फ्लैग से सिग्नल बनाना है, दो प्लेसेस है आपके पास, तो पहली प्लेस पे कोई भी पांच आ सकते हैं, दूसरी प्लेस पे कोई भी चार आ जाएगा, ये हो गया। प्लस तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि तीन आपको फ्लैग के बनाने, तो ये हो जाएगा फाइव फोर थ्री, प्लस चार के बनाने फाइव फोर थ्री टू, और आखिरी पॉसिबिलिटी क्या है फाइव फोर थ्री टू वन, जो भी है, ठीक है। तो आप ये सवाल प्रोडक्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हो, लेकिन मजा नहीं आना प्रोडक्ट प्रिंसिपल से, डिफरेंट डैशेज हो गई है, तो दैट्स व्हाई इसको हम प्रेफर करते हैं परमुटेशन से कर लेते हैं। बात तो यही है ना, जो काम आप प्रोडक्ट प्रिंसिपल से कर रहे हो सेम परमुटेशन से भी कर सकते हो। जैसे पहली पॉसिबिलिटी में क्या था कि आपको एक फ्लैग का बनाना है, तो पांच में से कोई भी एक कर लो, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी दो का करना है, तो भाई पांच में से कोई भी दो कर लो, ऑर्डर मैटर करेगा यहां पे, प्रोडक्ट प्रिंसिपल पे भी ऑर्डर मैटर कर रहा है, यहां पे भी कर रहा है। तीसरी पॉसिबिलिटी के फाइव पी थ्री, चौथी पॉसिबिलिटी फाइव पी फोर, पांचवी पॉसिबिलिटी फाइव पी फाइव, सबको आपस में ऐड करोगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं कि आपने एक सिग्नल बनाया है जिसके अंदर पांच फ्लैग है, और आपने सिग्नल बनाया जिसके अंदर तीन फ्लैग है, एक साथ ऐसा नहीं है, या तो पांच फ्लैग का सिग्नल होगा या तीन फ्लैग का होगा, तो सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, आपने ऐड कर दिया। फाइव पी वन जो है बच्चों फाइव होगा, फाइव पी टू जो है ना यहां पर होगा सिक्सटी, फाइव पी थ्री हो जाएगा नहीं फाइव पी टू जो है ना ये हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 6 मतलब 20, 5P3 हो जाएगा 60, 5P4 हो जाएगा 120, और 5P5 क्या होगा 5 अपॉन मतलब भाई 120 होगा ये, ठीक है। तो 240, 300, 325 आपके पास सिग्नल बनेंगे, मैं जस्ट वेरीफाई कर लेता हूं, यस 325 आपके पास बनेंगे, ये मैंने आप लोगों को बच्चों सिखा दिए। इसके बाद एग्जांपल नंबर 9 है, ये आपको मिलेगी पेज नंबर 229 के ऊपर। देखा भाई हाउ मेनी पॉजिटिव होल नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स डिजिट गिवन है ना, सो दैट इवन डिजिट ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। तो आपको गिवन डिजिट क्या क्या है, इसमें कुछ डिजिट अलाइक है मतलब सेम रिपीट हो रहे हैं दोबारा, 5, 6, 5, 4, 3 आपको गिवन है। आपको कह रहे हैं कि ऐसे नंबर ऑफ वेज बताओ जिसमें इवन डिजिट जो है ना वो इवन प्लेसेस को ऑक्यूपाई उन्होंने किया है। निकालते हैं, न्याय तीसरी सवाल है, नंबर ऑफ वेज निकालते हैं भाई। अब नंबर ऑफ वेज अगर आप निकालने जाओगे ना यार, तो आप प्रोडक्ट प्रिंसिपल भी लगा सकते हो उसके ऊपर,
लेकिन प्रोडक्ट प्रिंसिपल में अगेन वो कंपनसेशन करनी पड़ेगी आपको, जो प्रमोटेशन का सेकंड रूल है ना वो आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 4, 6, 4 मतलब इवन नंबर्स आपस में रिपीट हो रहे हैं ना, तो तीन इवन नंबर्स है, तीन को अरेंज करने के तीन फैक्टोरियल तरीके होंगे, लेकिन आपको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 2 जो 4, 4 जो है ये सेम है। तो प्रोडक्ट प्रिंसिपल अगर आप डिवाइड करोगे अजीब सा चीज हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई हम परमोटेशन ही यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ वेज निकालते हैं किसको, अरेंजमेंट ऑफ इवन नंबर्स इन इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस का ऐसा कोई इशू नहीं है यहां पे, ठीक है, क्योंकि सवाल थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड। एग्जांपल आपके पास 7 है ना, तो ये वाली प्लेस, ये वाली प्लेस, ये वाली प्लेस, इस पे को आपने इवन नंबर पुट करना है। फॉर एग्जांपल 3 पुट कर दिया, 6 पुट कर दिया, 4 पुट कर दिया, यहां पे 4 पुट कर दिया। अभी 3 इवन प्लेसेस हैं, 3 इवन नंबर्स हैं। अब इन 3 इवन नंबर्स को इन 3 प्लेसेस पे अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। क्यों भाई? 3 चीजें हैं तो 3 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें 2 रिपीट हो रही है, 2 अलाइक है, तो आपने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो इवन डिजिट्स को इवन प्लेसेस पे अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, जो कि बराबर हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 2, मतलब 3। 3 तरीकों से आप अरेंज कर सकते हो, मतलब 4, 6, 4, 4, 4, 6 या 6, 4, 4, ये 3 पॉसिबिलिटी है। तो 2nd, 4th, 6th प्लेस पे आप रखोगे, ठीक है। अच्छा, अब नंबर ऑफ वेज निकालो। नंबर ऑफ वेज किसके? अरेंजमेंट ऑफ ऑड नंबर्स इन ऑड प्लेसेस। जो बाकी ऑड प्लेसेस बची हैं कौन कौन सी? 1, 3, 5, 7 उस पर 4 ही ऑड नंबर है, 4 ही प्लेसेस हैं, उन पे आपको अरेंज करना है। कौन कौन से हैं ऑड नंबर? 3, 5, 5 और 3। अब यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करो, है तो 4 लेकिन रिपीट हो रहे हैं, तो कितने तरीके होंगे? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल आपने 4, 4, 6 ये आपने इवन नंबर फॉर एग्जाम्पल पुट कर दी। अब ये वाली प्लेस बची है ये। फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पे 3 पुट कर दिया, यहां पे 5 अगेन 5 अगेन 3। ये जो ऑड प्लेसेस है 3, 5, 5, 5 ये है तो 4 इसमें अंदर, लेकिन अलाइक है, 3 2 दफा आ रहा है, 5 2 दफा आ रहा है, तो आप क्या करो? 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। 4 फैक्टोरियल 24, 24 अपॉन 4, 6। तो इसके 6 तरीके। डब्बा ना बनाओ क्योंकि ये आपका आंसर नहीं है, तो ये अलग अलग आपने निकाल लिया, ठीक है। अब सवाल ये है कि प्लेसेस फिक्स हैं, तो इसका मतलब आपस में आप अरेंज ही नहीं कर सकते इसको, कि इवन नंबर्स ऑड नंबर्स को आपस में अरेंज नहीं करोगे, प्लेसेस फिक्स हैं। तो आप क्या करोगे यहां पे? आप टोटल किस तरह निकालोगे? टोटल वेज होंगी भाई, इवन नंबर्स को आपस में अरेंज करने के 3 तरीके हैं, ऑड नंबर्स को आपस में अरेंज करने के 6 तरीके हैं, आपस में आप मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई इसलिए करोगे क्योंकि एक साथ डिजिट का वर्ड बनाना है ना, मतलब ये सब इवेंट एक साथ परफॉर्म होंगे। तो इवन नंबर्स को फिल करने के 3 तरीके थे, ऑड नंबर को फिल करने के 3 तरीके 6 तरीके थे, तो प्रोडक्ट प्रिंसिपल लगा के आप क्या करोगे? इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सही, बुक में भी लिखा हुआ है पूरा, यही सॉल्यूशन एग्जैक्ट किया हुआ। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 10 पे सॉल्व करते हैं, हमारा 7.2 की एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएंगे। अगेन पेज नंबर 229 पे ही है ये लिखा हुआ, अ कॉइन इज टॉस 7 टाइम। क्या लिख सकते हो बुक वाले? हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। इन हाउ मेनी पॉसिबल वेज कैन वी गेट 4 हेड्स एंड 3 टेल्स? कॉइन टॉस्ड 7 टाइम्स, ये कंडीशन गिवन है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी बताओ जिसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने हो? 4 हो और नंबर ऑफ टेल्स 3 हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने 7 दफा कॉइन टॉस किया, पहली दफा में हेड आ गया, दूसरी दफा में हेड आ गया, मतलब मैं डिफरेंट पॉसिबिलिटी आपके सामने लिखता हूं, हेड टेल हेड, बस दैट्स इट। ये 7 दफा कॉइन टॉस किए, पहली दफा हेड आया, दूसरी दफा हेड, तीसरी दफा टेल, चौथी दफा हेड, पांचवी दफा टेल, छठी दफा भी टेल, सातवीं दफा हेड, 4 हेड है, 3 टेल है इसके अंदर। अब आपस में आप अरेंज कर लो, फॉर एग्जाम्पल इस एच को उठा के यहां पे टी की जगह पे ले जाओ, इस तरह करो, अब ये अलग अरेंजमेंट बन गई, पहले पे टेल आया, दूसरे पे हेड, पे तीसरे पे टेल, ये अलग अरेंजमेंट है। इसी तरह आप इस हेड और इस टेल, इसकी पोजिशन को चेंज कर दो, अब एक अलग अरेंजमेंट बन गई। तो कहने का मतलब यहां पे 7 चीजें जिनको आप अरेंज करना है, लेकिन
उसमें से चार एक जैसी हैं, चार हेड और तीन एक जैसी हैं, तो अब नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे? तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे भाई, सात चीजें हैं तो ऊपर लिखो 7 फैक्टोरियल, जिसमें से चार एक जैसी हैं 4 फैक्टोरियल, तीन एक जैसी हैं 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 720 / 24 × 6। सॉल्व करो, क्या आंसर आ रहा है बुक में? भाई बुक में आंसर आ रहा है 35। तो भाई 35 ऐसे तरीके हैं कि जिनसे आप 7 दफा टॉस करोगे तो डिफरेंट तरीके से 4 हेड और 3 टेल आ सकते हैं। फिर आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 7 के ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 6 सॉरी, पेज नंबर 226, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है? देयर आर 7 डिफरेंट पोस्ट। तो कितनी पोस्ट है आपके पास, मतलब वैकेंसीज आप कह लो, नंबर ऑफ पोस्ट आप कह लो 7 है आपके पास, ठीक है। ऑफ विच 3 मस्ट बी हेल्ड बाई ग्रेजुएट, के जो 7 पोजिशन है ना उसमें से 3 आपने ग्रेजुएट रखने और 2 जो है वो अंडर ग्रेजुएट रखने, ये 5 पोजिशन होगी ना। वाइल द रिमेनिंग 2 जो बाकी 2 जो है मे बी गिवन टू आइदर ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, जो बाकी 2 भाई मिनिमम 3 ग्रेजुएट को पोजिशन देनी है और 2 अंडर ग्रेजुएट को देनी है, ये तो मिनिमम है। जो बाकी 2 सीट है ना उसमें आप कोई ग्रेजुएट रख लो कोई अंडर ग्रेजुएट रख लो कोई मसला नहीं है, लेकिन मिनिमम 3 ग्रेजुएट और 2 अंडर ग्रेजुएट को तो आपने देनी देनी है, ठीक है। इफ 10 ग्रेजुएट्स एंड 5 अंडर ग्रेजुएट, भाई कितने ग्रेजुएट्स हैं आपके पास? नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट्स का मतलब जो पास आउट हो गए यूनिवर्सिटी से, जैसे मैं ग्रेजुएट हूं तो ये 10 है, और नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट जो अभी पढ़ रहे हैं या उन्होंने इंटर पढ़ा है बस अभी, तो नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स कितने हैं? 5 है, ठीक है। बाकी हम लिख देंगे सॉल्यूशन के अंदर, तो जरा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लिखना चाहो तो ना लिखो, कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नंबर ऑफ वेज लिख देते हैं हम, और मैं नीचे लिख देता हूं नंबर ऑफ वेज, नीचे आप पूरी वो चीज लिख दो कि 3 ग्रेजुएट, अच्छा 2 जो है वो अंडर ग्रेजुएट है, अच्छा एंड 2 मे बी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट। कह रहे का मतलब जो नंबर बेस ऑफ निकाल लेना हम, तो इसका मतलब है कि जो 60 डिफरेंट पोस्ट हैं उसमें 3 ग्रेजुएट होंगे 2 अंडर ग्रेजुएट होंगे, और जो बाकी 2 हैं उसमें ग्रेजुएट भी हो सकते हैं अंडर ग्रेजुएट भी हो सकते हैं। इस सवाल को प्रोडक्ट प्रिंसिपल से भी सॉल्व कर सकते हो, परमोटेशन से भी कर सकते हो, लेकिन ये वो चीजें हैं जिसमें प्रोडक्ट प्रिंसिपल मजा नहीं आता, लेकिन आप लगा सकते हो। मैं बता देता हूं किस तरह लगाओगे भाई, 7 डिफरेंट है तो आप लिख दो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पोजिशन आ गई। शुरू की 3 पोजिशन को किसने फिल करना है? ग्रेजुएट। टोटल ग्रेजुएट कितने? 10 ग्रेजुएट है, तो कोई भी 10 ग्रेजुएट इस पोजिशन पे आ सकता है। अब देखो ऑर्डर मैटर करता है, ये नहीं कि सेम पोजिशन है भाई, ट्रेनिंग इंजीनियर की पोजिशन होगी, किसी को HR में रखना होगा, किसी को मैनेजमेंट में रखना होगा, किसी को वैसे ही रखना होगा, मुझे इतनी पोजिशन नहीं पता, तो पोजिशन डिफरेंट है तो ऑर्डर मैटर कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी 10 जो है वो इस पहले पोजिशन पे आ, फॉर एग्जाम्पल पहली पोजिशन जो है वो HR की है, HR के डिपार्टमेंट शायद फॉर एग्जाम्पल कोई पोजिशन है, तो कोई भी 10 यहाँ पे आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को यहाँ पे हायर कर लिए तो बाकी कितने ग्रेजुएट बचे? 9 बचे, किसी भी 9 को यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे रख दिए किसी भी 8 को रख सकते हो, तो 3 पोजिशन जो है वो आपने ग्रेजुएट से फिल कर दी है। अच्छा जो बाकी 2 पोजिशन है वो किससे फिल करनी है? अंडर ग्रेजुएट से। तो इस वाली पोजिशन पे भाई 5 अंडर ग्रेजुएट है, कोई भी 5 आ सकता है इस पोजिशन पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो यहां पे आ गया, अब बाकी 4 जो है वो दूसरी पोजिशन पे आ सकते हैं, ठीक है। अब जो बाकी की 2 पोजिशन है उसपे या तो ग्रेजुएट कर लो या अंडर ग्रेजुएट कर लो, कोई मसला नहीं है। अब देखो 3 ग्रेजुएट ऑलरेडी आपने कवर कर लिए, 2 अंडर ग्रेजुएट आपने कवर कर लिए, टोटल बच्चे थे 15, उसमें से 5 को तो आपने पोजीशन दे दी है। अब देखो यहां पे ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप इनको सब एक साथ कंसीडर करो, मतलब उन्होंने बोला ना ग्रेजुएट कर लो अंडर ग्रेजुएट कर लो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जो बाकी रिमेनिंग बच्चे हैं उनको आप कोई भी पोजीशन दे दो, ठीक है। तो 5 बच्चों को तो आपने पोजीशन दे दी, बाकी कितने बच्चे बचे? टोटल 15 थे ना, तो बाकी कितने बचे? 10 बच्चे बचे, तो 10 में से किसी को भी ये 6 पोजीशन जो छठी पोजीशन है वो दे दो, चाहे वो ग्रेजुएट हुआ चाहे वो अंडर ग्रेजुएट, हमें मैटर नहीं करता, कोई फर्क नहीं है। बाकी जो रिमेनिंग 10 है उसमें से किसी को भी दे दो, और जो रिमेनिंग 9 है किसी को भी 7वीं पोजीशन दे दो। तो एग्जैक्टली ये पूरा सवाल कहां से हो सकता है? प्रोडक्ट प्रिंसिपल से हो सकता है, आप इनको मल्टीप्लाई करो आंसर वही आ रहा होगा जो बुक का, ठीक है। या दूसरा केस जो है आप परमोटेशन लगा लो,
और एग्जैक्ट वही परमोटेशन लगेगी वैसे मेथड से जैसे आप कॉम्बिनेशन सॉल्व कर रहे होते थे कि बनाते आपको एक पार्टी बनानी होती थी ना, कमेटी बनानी, फॉर एग्जाम्पल चार लेडीज हैं, पांच जेंटलमैन हैं, उसमें से दो लेडीज करनी है, तीन जेंटलमैन करने हैं, जैसे 5C3 सब करते थे, तो एग्जैक्ट वही टेक्निक होगी, बस वहां पे सी यूज करते थे, यहां पे पी यूज करोगे। क्यों? क्योंकि पोस्ट जो है वो डिफरेंट है। वहां पे जब आप कमेटी सेलेक्ट करते थे तो मैटर नहीं करता था, जो भी पांच बंदे आपने सेलेक्ट किए, कोई पोजीशन नहीं थी, बस पांच का ग्रुप बनाना है, किसी को भी पहले सेलेक्ट कर लो, किसी को बाद में कर लो, लेकिन यहां पे पोजीशन मैटर कर रही है। मे बी पहली पोजीशन एचआर की हो, अब पहली पोजीशन पे जिसको रखोगे तो डिफरेंट बात है। फॉर एग्जाम्पल हमजा को आपने पहली पोजीशन पे रखा है, अब दूसरी पॉसिबिलिटी में आप सात को रखो, ये अलग बन जाएगी ना यहां पर। तो दैट्स व्हाई यहां पर ऑर्डर मैटर कर रहा है, क्योंकि पोस्ट डिफरेंट है आपस में, तो आप परमोटेशन यूज करो। बाकी टेक्निक वही होगी कि आपको कोई भी 10 ग्रेजुएट्स हैं, उसमें से किसी भी तीन को आपने पोजीशन देनी है, तीन पोस्ट आपने देनी है। पांच अंडर ग्रेजुएट है, किसी भी पांच में से आपको दो को पोजीशन देनी है, टोटल पांच पोस्ट आपने दे दी। रिमेनिंग दो है, बच्चे कितने बचे हैं भाई? तीन और दो, पांच बच्चों को तो आपने पोजीशन दे दी, अब टोटल 10 बच्चे बचे हैं पीछे, तो 10 में से कोई भी दो पोजीशन आप दे दो, वही काम करो, मल्टीप्लाई करो आपस में, दैट्स इट। तो 10P3 क्या हो जाएगा, बुक में देख लेते हैं यार। 10P3 जो है, तो बुक वालों ने सॉल्व नहीं किया हुआ, 10 factorial upon 7 factorial, तो चलो इसको सॉल्व कर लेना, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो, डायरेक्ट मैं आंसर लिख देता हूं, या बुक वालों ने एग्जैक्ट प्रोडक्ट प्रिंसिपल लगाया हुआ है, ये वही चीज है, 10, 9, 8, 5, 4 ये अंडर ग्रेजुएट की थी, और फिर जो बाकी रिमेनिंग थी 10, 9, एग्जैक्ट वही सारा कॉन्सेप्ट है। तो आप मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 1296000। तो कितने तरीके हैं, 12,96,000 तरीके से आप ये सात पोजीशन जो है ये दे सकते हो, टोटल 15 लोगों को, रिस्ट्रिक्शन मैंने आप लोगों को बता दी है। तो ये बच्चों एग्जांपल जो है डिटेल में आप, उसके बाद बच्चों अगर कॉम्बिनेशन पे आओ तो पेज नंबर 195 पे एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 2 बहुत इजी है, एग्जांपल नंबर 2 के दो मेथड उन्होंने मेंशन किए हैं, जो एंड पे ऑल्टरनेटिवली करके लिखा हुआ है, उसी मेथड से हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, तो वही मेथड आप लोग फॉलो करना। एग्जाम्पल नंबर 3 है, बहुत इजी है, इसी किस्म का सवाल हमने 6.3 में क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर किया था, तो आप देख लेना आपको समझ आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। इसी तरह 196 के अंदर एग्जाम्पल नंबर 1 है, बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है ना बच्चों, ये इसी किस्म के सवाल जो है ये हमने एक्सरसाइज में किए हुए थे, कि ये कौन सा सवाल मैं बता देता हूँ आपको, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इसमें सिचुएशन होती थी कि एग्जैक्टली 5, एटमोस्ट 5, एटलीस्ट 5, इसी किस्म के सवाल सारे लिखे हुए, सोल्यूशन भी पूरा उन्होंने बताया हुआ, देख लेना कोई मसला नहीं होगा आपको इसके अंदर। लिखा है 1 professor and 4 students, मैं पार्ट 1 सॉल्व करा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 196 के अंदर। तो भाई कितने प्रोफेसर है, 3 प्रोफेसर है, 3 में से एक प्रोफेसर को चूज करने के कितने तरीके हैं, 3C1, और 4 स्टूडेंट, तो टोटल 6 स्टूडेंट है, 6 में से 4 को चूज करने के कितने तरीके हैं, 6C4, खत्म हो गया। पार्ट नंबर 2 क्या है, 2 प्रोफेसर 3 स्टूडेंट, आसानी से कर सकते हो, क्या करूंगा। पार्ट नंबर 3 में 3 प्रोफेसर 2 स्टूडेंट, ये भी आप कर सकते हो। तो एंड पे आपको पता है सब चीजें एक साथ परफॉर्म नहीं हो सकती, तो आप इनको ऐड कर रहे होंगे, यही काम क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था। इसी तरह एग्जांपल नंबर 3 है, बहुत इजी है, पेज नंबर 197 के ऊपर, नाउ मैंने बेस किया पार्टी ऑफ 5 स्टूडेंट 4 टीचर बी फॉर्म आउट ऑफ 18 एंड 6, 5 स्टूडेंट की बनानी है, टोटल 18 है, तो 18C5, 4 टीचर की बनानी है, टोटल 6 है, तो 6C4, आसानी से कर लोगे। आज जाओ प्रोबेबिलिटी के ऊपर, प्रोबेबिलिटी में अगेन एग्जांपल नंबर 1 है, पेज नंबर 201 के ऊपर, बहुत इजी है, 3 मार्बल है, उसमें से एक आपने रेड उठाना है, टोटल 1/3 हो जाएगा। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 है बच्चों, यही एग्जांपल पुरानी बुक में ही मौजूद होती थी, और पुरानी बुक में भी इन्होंने मिस्टेक की थी, इस बुक में भी इन्होंने मिस्टेक की हुई है, और अगर आप लोगों को मैं एडिट करके तो साथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उसमें मैंने काफी डिटेल में बातें बताई थी, और जो पुरानी बुक थी उसमें एग्जाम्पल्स काफी ज्यादा थी, जिससे मैंने एक चीज पूरी बात समझाई थी कि यार उसमें ये था, इसमें ये था, इसमें वो चीज ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जितने सवाल हैं 6.4 के अंदर अगर आप देखो प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो वहां पे सब में एक चीज आप उठा रहे हो, एक बॉल उठा रहे हो, एक कार्ड उठा रहे हो, तो जब आप 10 में से एक चीज उठाओगे तो 10 तरीके होंगे, अगर आप दो चीजें उठाओगे तब कॉम्बिनेशन यूज करोगे ना। तो जितने भी आप देखोगे 6.4 के अंदर मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, उसमें सब में यही कॉन्सेप्ट होगा कि एक चीज आप उठा रहे होगे, तो वहां पे तो कॉम्बिनेशन यूज ही नहीं की हुई आपने, हालांकि प्रोबेबिलिटी में कॉम्बिनेशन ही तो फायदा देता है आपको, तभी आप परमोटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हो ताकि प्रोबेबिलिटी में काम आए, लेकिन आप लोगों की बुक में एग्जाम्पल इतनी अच्छी है माशाल्लाह, इतनी सिंपल है, तो दैट समय वो वीडियो एडिट करके लगा नहीं रहा, लेकिन एग्जैक्ट यही एग्जाम्पल पुरानी बुक में मौजूद थी। अगर आपको शौक हो मेरे चैनल पे जाना, परमोटेशन की एक प्लेलिस्ट आपको नजर आएगी, काउंटिंग या प्रोबेबिलिटी की शायद नजर आएगी, उसमें एंड पे अगर आप जाओगे
तो एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व करवाई दी होंगी, तो वहां पे आपको एग्जाम्पल्स के अंदर ये मैं बता देता हूँ, ये हाँ एग्जाम्पल नंबर टू थी ये प्रोबेबिलिटी की, 7.4 की एग्जाम्पल थी ये टू, पेज नंबर 247 के ऊपर थी। तो ये अगर आप लोगों को शौक हो वहां देख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको बेसिक बात बता दूं कि जब भी आपको बॉल पिक करते हो आपने कॉम्बिनेशन वहां पे यूज करना होता है। यहाँ पे सवाल सिंपल ये था कि आपके पास एक बास्केट है, उसके अंदर दो ब्लैक बॉल हैं, दो ब्लू बॉल, दो व्हाइट बॉल्स हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग टू ब्लैक बॉल्स, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप जब दो बॉल उठाओगे तो वो दो ब्लैक होंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इन सवालों में सिंपल आप कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज कर रहे होते हो, आप इसको इस तरह समझो, अच्छा बुक ने सैंपल स्पेस में मिस्टेक की हुई है, यहाँ पे उन्होंने सैंपल स्पेस को कॉइन की प्रॉब्लम की तरह सॉल्व किया है कि दो कॉइन है तो चार पॉसिबिलिटी बन रही होगी, हालांकि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगी नहीं भाई। कॉइन में तो बात अलग होती है कि एक कॉइन को टॉस करते हो हेड या टेल आ जाएगा, यहाँ पे तो यही नहीं, यहाँ पे तो बॉल है, अब चार बॉल है कोई भी आप एक उठा सकते हो। अब इसको परमोटेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा देना कि पहली बॉल उठाने के चार तरीके हैं, दूसरी बॉल उठाने के तीन तरीके हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे होता है, आप इसको इस तरह सॉल्व कर रहे होते हो कि जो चार आपकी ब्लैक बॉल है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि कॉम्बिनेशन के अंदर ये बात मैंने शायद 6.4 के अंदर बताऊं आप लोगों को, या क्योंकि वो मैंने पहले भी रिकॉर्ड कर ली है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिंपल ये होता है कि आपके पास दो ब्लैक बॉल है तो आप एज्यूम यही करते हो वो दोनों डिफरेंट है। अब डिफरेंट ये भी कह सकते हो उनके ऊपर ना 1-2 लिखा हुआ है, या पोजीशन के हिसाब से भी डिफरेंट कह सकते हो, पहली पोजीशन पे ब्लैक बॉल, दूसरी पोजीशन पे व्हाइट बॉल। तो कहने का मतलब आपके पास ये है D1, D2, W1, W2, दो व्हाइट दो ब्लैक, इस तरह आप समझोगे, या आपके पास एक पूरा समझो बास्केट है उसके अंदर लिखे हैं, आपने दो बॉल्स को उठाना है विदाउट रिप्लेसमेंट ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, क्योंकि दो बॉल एक चीज थोड़ा ना कि एक साथ ही एक हाथ में उठानी है, पहले एक उठाओगे फिर दूसरी उठाओगे, तो रिप्लेसमेंट का कोई चक्कर नहीं है ना यहाँ पे। तो आप इस सवाल को इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो, डिफरेंट तरीके हैं सॉल्व करने के। एक आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो कि पहली दफा मैं जब ब्लैक बॉल उठाऊंगा, असल में आपको बताना है कि दोनों ब्लैक बॉल हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहली दफा जब मैं ब्लैक बॉल उठाऊंगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी दो ब्लैक बॉल है डिवाइड बाय टोटल कितनी है चार, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। जब मैं दूसरी दफा ब्लैक बॉल उठाऊंगा, अब जाहिर सी बात है विदाउट रिप्लेसमेंट है यहाँ पे, तो अब टोटल कितनी होगी तीन, और जब एक मैंने उठा लिया कितनी बची 1/3, तो आप इसको यहां मल्टीप्लाई कर दोगे ये 1/6 हो जाएगा। और यहाँ पे डिपेंडेंट इवेंट है, तो आपने डिपेंडेंट इवेंट की तरीके से ही जो हम सॉल्व करते थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे लगाया है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी 1/6 आ रही है। इस तरह भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो कि भाई आपके पास अच्छा सैंपल स्पेस अगर आप बनाना चाह रहे हो, सैंपल स्पेस बनाने के यहाँ पे तरीके क्या होंगे। वैसे सैंपल स्पेस का फॉर्मूला ये है कि इन किस्म के सवालों में जब आप बॉल उठाते हो तो फॉर्मूला ये होता है चार बॉल्स हैं जिसमें से आपको दो उठानी है, तो ये 4c2 बन जाएगा, ठीक है, ये टोटल सैंपल स्पेस है, 4c2 होता है 6 अगर आप लिस्ट करना चाहो तो इस तरह भी लिस्ट कर सकते हो। ट्री डायग्राम वैसे बनती नहीं है इन सवालों में, लेकिन मैं वैसे एक आइडिया दे रहा हूं कि अगर आपने सबसे पहले b1 उठाई तो दूसरी में आपके पास क्या ऑप्शन है, b2 उठा सकते हो, w1 उठा सकते हो, w2 उठा सकते हो, ये आपके पास तीन ऑप्शन हो गए, ठीक है। अगर पहले पे आपने b2 उठाई तो दूसरे पे क्या ऑप्शन है, w1 उठा सकते हो, w2 उठा सकते हो, अच्छा b1 नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर b1 उठाओगे ना तो पॉसिबिलिटी बनेगी b2 b1 जो कि ऑलरेडी यहां पे काउंट की हुई है, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैंने आप लोगों को बताया है। तो इसका मतलब दो तरीके यहां से आपने देख लिए, पहले पे अगर w1 उठाओ तो दूसरी पे क्या हो सकता है, अब b1 भी नहीं हो सकता, b2 भी नहीं हो सकता, अगर w1 b1 ये ऑलरेडी कवर है, w1 b2 ये भी यहां पे कवर है, तो w1 के साथ एक ही ऑप्शन होगा कि w2 उठाओगे, तो एक ऑप्शन यहां पे, तो टोटल 6 ऑप्शन है। इनको लिस्ट बना के लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे b1 b2 b1 w1 b1 w2 b2 w1 b2 w2 इसी तरह w1 w2, ये 6 आपके पास सैंपल स्पेस बनेंगे जो कि 4c2 है, जो मेक सेंस कर रहा है, चार में से अगर आप दो उठाओगे तो ये आपके पास टोटल तरीके होंगे, इतने तरीकों से आप उठा सकते हो। और आपके पास ऊपर न्यूमरेटर में आप लिखते हो फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल क्या है आपका कि दो ब्लैक बॉल होनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो दो ही ब्लैक बॉल है उसमें से दो उठाने के कितने तरीके हैं, भाई दो ब्लैक बॉल में को अगर टोटल दो ब्लैक बॉल है और आपने दो ही उठानी है तो एक ही तरीके से आप उठा सकते हो जो कि कॉम्बिनेशन में होगा 2c2। तो अगर आप इस सवाल को सॉल्व करोगे तो 1/6 आ गया यहाँ पे दोनों ब्लैक बॉल। तो ये फॉर्मुला यूज करके भी आप कर सकते हो, या आप एक काम करो जैसे बुक ने सैंपल स्पेस लिखा हुआ है ना, लेकिन आप ये बुक वाला सैंपल स्पेस नहीं लिखना, आप ये प्रॉपर जो 6 मैंने बताया ना इनको लिस्ट करके इस तरीके से सैंपल स्पेस लिखना, उसके बाद लिखना देयर इज ओनली 1 फेवरेबल केस। फेवरेबल केस यहाँ पे कौन सा है, b1 b2 जिसमें दोनों ब्लैक बॉल आ रहे हैं, बाकी में तो दो ब्लैक बॉल नहीं आ रहे ना, तो एक ही फेवरेबल केस है, बोल देना कि भाई b1 b2 उसके अंदर आ रहा है, उसको उन्होंने e का नाम दिया है,
तो बी वन बी टू ये आपका एक ही फेवरेबल केस है, तो आप प्रोबेबिलिटी निकालना है, एक फेवरेबल केस है, टोटल छह है, तो 1/6 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। लास्ट एंड इसमें मिस्टेक थी सवाल के अंदर अभी भी है, जिन टीचर से मैंने पहले बात की थी उन टीचर ने बोला था सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है, इस दफा जब मैंने बात की वो कहते हैं इसका सोल्यूशन गलत है, ये वाला सोल्यूशन ठीक है। तो कहने का मतलब पहले वो कहते थे कॉइन की तरह सॉल्व करो, मैंने पहले भी बोला था ये सवाल कॉइन की तरह सॉल्व नहीं होगा, वो अगर आप मेरा लेक्चर देखोगे परमोटेशन की एग्जाम्पल मैंने जो पुरानी बुक में सॉल्व करवाई थी एग्जैक्ट यही वहां भी मैंने चीज डिटेल में बताई थी। बाला एग्जाम्पल नंबर 3 बच्चों बड़ी इजी है, दो कॉइन टॉस किए हैं, देख लेना बड़ा आसान है, पेज नंबर 202 के ऊपर। अच्छा उसके बाद वेन डायग्राम की एग्जाम्पल्स मैंने ऑलरेडी कवर करवाई हुई है पुराने लेक्चर्स के अंदर, ट्री डायग्राम की जो एग्जाम्पल्स थी वो भी कवर करवाई हुई है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जो एग्जाम्पल्स थी दोनों वो भी मैंने कवर करवाई हुई है। अच्छा उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल किस पेज पे है, ये है पेज नंबर 208 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 1, ये एग्जाम्पल है मैं ख्याल में वो जो लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी थे कि लिखा हुआ है अ बॉक्स कंटेन्स 5 ब्लैक बॉल 7 रेड बॉल, 5 ब्लैक है और 7 रेड है, बोला हुआ है 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी यहाँ पे कि रिप्लेस आपने नहीं किया। What is the probability that both balls are black? वो कह रहे हैं बताओ दोनों बॉल ब्लैक है उसकी प्रॉबिलिटी क्या है, तो सबसे पहले जब आप बॉल उठाओगे तो प्रॉबिलिटी क्या होगी कि वो ब्लैक हो, 5/12 क्योंकि टोटल 12 है ब्लैक 5 है, तो पहली दफा जब आप ब्लैक उठाओगे तो ये प्रॉबिलिटी होगी। अब आपने उठा के इसको साइड पे रख दिया तो अब आपके पास टोटल कितनी बॉल्स रहेगी, टोटल 11 बॉल्स रहेगी जिसमें 4 ब्लू है और 7 रेड है क्योंकि एक ब्लू उठा के आपने साइड पे रख दी थी, तो अब सेकंड दफा ब्लू आए या ब्लैक है, हाँ सर ब्लैक है, जब सेकंड दफा ब्लैक है इसकी प्रोबेबिलिटी का क्या होगा, अब हो जाएगी 4/11, एक साथ आपको परफॉर्म करने तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर रहे हो, सॉल्व करो हो जाएगा 20/121, ये कैंसिल होगा बिल्कुल हो सकता है कैंसिल, हाँ 12 को आप 4 से कर सकते थे तो ये हो जाएगा 5/33, ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला गया कॉइन इज टॉस एंड अ सिंगल साइड डाई इज रोल्ड, अच्छा एक हमने कॉइन टॉस किया एक हमने डाई रोल किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑफ द कॉइन एंड मतलब इंटरसेक्शन की बात की जा रही है, अगेन मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट होगा, एंड रोलिंग अ 3 ऑन द डाई, वो कह रहे हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी बताओ कि आपके पास हेड आ जाए और यहां से आपके पास जो आपने डाई पे रोल किया है वो आपके पास 3 आ जाए, तो भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, डाई आने की प्रोबेबिलिटी क्या सॉरी 3 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, अगर हेड आ जाए तो डाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डाय पे 3 आ रहा है, अब पहले पे अगर हेड आए या पहले पे टेल आए 3 आने की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इंडिपेंडेंट है दोनों, ये बुक में मेंशन किया होगा उन्होंने, हाँ कि दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है किसी का एक दूसरे पे फर्क नहीं है, डाय पे अगर 3 आ जाए मतलब अगर पहले पे हेड आया या पहले पे टेल आया कॉइन पे इसका डाय पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डाय पे अगर 3 आना तो वो आएगा पहले पे हेड आया टेल आए सेम प्रोबेबिलिटी रहेगी उसकी, तो मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा 1/12, इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो, इसका एक और तरीका भी है, इसका एक और तरीका ये है कि भाई जब आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, टोटल 2 पॉसिबिलिटीज हैं, जब आप डाई को रोल करते हो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं 6, फर्स्ट प्रिंसिपल ने कहा था कि टोटल आउटकम निकालने के लिए प्रोडक्ट प्रिंसिपल ने बताया था मल्टीप्लाई कर दो 12, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है 12, मतलब हेड आ गया डाई पे 1 आ गया, हेड डाई पे 2, हेड डाई पे 3, इस तरह करके 6 होंगी और 6 होंगी कि पहले टेल आ गया फिर 1 आ गया फिर टेल फिर 2 आ गया, इस तरह तो टोटल 12 इसमें सैंपल स्पेस बनेंगे, एक आपका फेवरेबल है कि पहले पे हेड और डाई पे 3, तो 1/12 आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, तो अगर इंडिपेंडेंट है तो आप इस तरह लगा सकते हो सारे मेथड। पेज नंबर 208 पे जो एग्जाम्पल नंबर 1 है ये ऑलरेडी मैं पुरानी बुक में सॉल्व करवा चुका हूं, तो ये मैं एडिट करके साथ लगा दूंगा, अब इंशाल्लाह वो आप लोग देख लेना। एग्जाम्पल 1 में लिखा हुआ है एन इंटीजर इज चूजन एट ऑल एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर, ये एग्जाम्पल नंबर 1 ऑन पेज नंबर 254, तो डायरेक्ट आप सैंपल स्पेस यहां पे लिख सकते हो, सैंपल स्पेस यहां पे क्या होगा कि आपके पास पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होते हैं और फर्स्ट 200 मतलब 1, 2, 3 up to 200, ये सैंपल स्पेस गिवन है। What is the probability that the chosen integer, अच्छा एक इंटीजर आपने चूज करना है, What is the probability that the chosen integer is divisible by 6 or 8? वो कह रहे हैं कि बताओ ऐसी क्या probability है कि जो आप एक इंटीजर चूज करोगे out of 200 इंटीजर तो वो इंटीजर जो है वो 6 से divisible होगा या वो 8 से divisible होगा, तो और आगे इसका मतलब law of addition union वाली probability आप करोगे यहाँ पे। सबसे पहले दोनों event को define करना पड़ेगा, तो consider कर लो let जो event A है उसको हम डिफाइन करते हैं कि वो नंबर जो 6 से डिवाइड होते हो, तो कौन से नंबर 6 से डिवाइड होते हैं, 6 का टेबल पढ़ लो,
सिक्स, ट्वेल्व, एटीन, ये वो सब नंबर हैं जो 6 से डिवाइड होते हैं, और 200 से पहले कौन सा नंबर होगा, 198। तो ये वो सारे नंबर हैं जो डिविजिबल बाय 6 होते हैं, डिविजिबल बाय 6। तो अगर मैं बोलूं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट कवर हो रहे हैं, तो भाई 6 10 जा 60, 20 जा 120, 30 जा 180, और 186, 192, 198, तीन और लगा लो। तो 33 ऐसे नंबर्स हैं जो 6 से डिविजिबल है फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर में। अगर ये आप काउंट करने में मसला होता है तो आप इस पे वो अरिथमेटिक का भी लगा सकते हो, अरिथमेटिक सीक्वेंस है ना, तो उसमें tn की वैल्यू पुट कर दो, a पुट कर दो, d पुट कर दो, n आ जाएगा कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, उस तरह भी कर सकते हो, वरना ये सिंपल सा है। फिर आप b इवेंट को लेट करो कि डिविजिबल बाय 8 हो, तो 8 का टेबल पढ़ लो, 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, अब तू कहां तक जाना है, 198 8 के टेबल में आता है क्या, 38 नहीं, 196 आता होगा, फिर 80 80, 160 में 190 तो आता है नहीं, एक सेकेंड, 200 आता है, तो हाँ 200 तक जाएगा, 208 के टेबल में आता है। तो अब इसके लिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो 8 10 जा 80, 8 20 जा 160, और 160 के बाद 40 और है ना, तो 5, तो इसका मतलब यहां पे 25 है। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, यहां पे 25 होंगे, और ये कौन सा इवेंट है जिसमें नंबर इंटीजर जो है वो डिविजिबल बाय 8 है। अब आपको इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, लेकिन क्या ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या म्यूचुअली इंक्लूसिव है, तो भाई यहां पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला केस नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन भी है। ये ऐसी भी पॉसिबिलिटी है जिसमें ये दोनों इवेंट एक साथ परफॉर्म हो रहे होंगे, और वो कौन सी है, वो इनके इंटरसेक्शन की होती है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ऐसे कौन से केस है, एलसीएम ले लो, 6 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 6 और 8 का एलसीएम होता है 24। तो अगर आप ऑब्जर्व करो 24, ये 8 के टेबल में भी आएगा, 6 के टेबल में भी आएगा, 48, अब 24 का टेबल पढ़ते जाओ, 48 के बाद क्या होगा, 72, अप टू कहां तक जाना है आपने, 72 के बाद फिर 24 ऐड करोगे, ये हो जाएगा 96, फिर इस तरीके से 96 दोबारा ऐड करो, ये हो जाएगा 192, तो 192 तक आपने जाना है। तो ये कितने हो जाएंगे, 96 तक 4 होंगे, 192 8 हो जाएंगे। तो टोटल इस रेंज के अंदर 8 ऐसे एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं जो कॉमन है। अभी कॉमन निकालने की वजह ये है, उसकी वजह है कि फॉर एग्जांपल जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, मैं यहां पे प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, कि या तो ए इवेंट हो जाए या बी इवेंट हो जाए, तो किसके बराबर होगा, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो माइनस करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये वो नंबर्स हैं जो यहां पे भी काउंट हो रहे हैं, यहां पे भी प्रोबेबिलिटी निकालते हुए यूज हो रहे हैं, और ये नंबर यहां पे भी यूज हो रहे हैं, यहां पे भी आ गए हैं, दोनों जगह यूज हो रहे हैं। तो आपने दो दफा इस चीज को काउंट कर लिया, तो मसला होगा, तो दो दफा काउंट किए कंपनसेट करने के लिए एक दफा सब्ट्रैक्ट कर दो, आप वो किया हुआ यहां पे। तो जरा प्रोबेबिलिटी निकालो, ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल 33 केसेस हैं, नहीं इवेंट को जो फेवर कर रहे हैं, और टोटल जैसे यहां पे लिख देना नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस 200 है, तो डिवाइड बाय 200। इसी तरीके से बी को कितने केस फेवर कर रहे हैं, 25 डिवाइड बाय 200, और इसको कितने केस फेवर कर रहे हैं, 8 8 डिवाइड बाय 200। तो बस इसको सॉल्व करना है, 33 में जब आप 25 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 58, 58 में से 8 माइनस करोगे 50, 50 अपॉन 200 क्या हो जाएगा, 1/4। तो यहां पे जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है, मतलब 25% चांस है कि आपके पास वो नंबर्स आए जो या तो डिविजिबल बाय 6 हो या वो नंबर डिविजिबल बाय 8 हो। आंसर आपका कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 209 पे, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय टू स्टूडेंट, भाई दो स्टूडेंट है, सिचुएशन लिखी हुई है कि पहला स्टूडेंट जो है वो किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, और जो दूसरा स्टूडेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, वो कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व होने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरह समझो कि दो बच्चे हैं, आपने दोनों को प्रॉब्लम दिया, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाह रहे थे, पहले बच्चा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे 50% चांसेस है, दूसरा उसको सॉल्व करे 33.33% चांसेस है। आपको निकालनी है क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। भाई देखो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा किस किस कंडीशन में, या तो एहसन सॉल्व कर ले, या उमर सॉल्व कर ले, या दोनों सॉल्व कर ले, इन तीनों सिचुएशन में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो समझ लो ये और की कंडीशन है, कोई एक भी अगर सॉल्व कर लेना आपकी प्रॉब्लम, आपको मतलब आप जो चाह रहे हो वो हो जाएगा पूरा, आप चाह रहे हो प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो कोई अगर एक भी सॉल्व कर ले आपका मसला हल, आप ये नहीं चाह रहे कि दोनों सॉल्व करें, तो नहीं, इंटरसेक्शन की बात नहीं की जा रही, और की बात की जा रही, कोई एक भी सॉल्व कर ले तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा यहां पे जो आप चाह रहे हो यहां पे।
तो ए यूनियन बी की यहां पे बात की गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जिसका फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। भाई इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी तो लिखी हुई है, रही बात इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे। एग्जैक्टली यही सवाल पुराने बुक में 7.5 के अंदर होता था, वहां पे ये कंडीशन बोलते थे कि दोनों बॉय जो है वो सेपरेटली वर्क कर रहे हैं। सेपरेटली वर्क करने का मतलब ये था कि इंडिपेंडेंट है, इनका कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा ने कर लिया, ये नहीं कि उमर उसका छाप रहा है कि अगर ऐसा ने कर लिया इसका मतलब उमर भी कर लेगा, या अगर ऐसा ने नहीं सॉल्व किया तो इसका मतलब उमर भी नहीं अब करेगा सॉल्व, क्योंकि ऐसा से नहीं हुआ तो शायद उमर से भी नहीं होगा। ये सिचुएशन कुछ भी नहीं है, सेपरेटली काम कर रहे हैं, तो वहां पे ये मेंशन होता था। यहां पे उन्होंने सवाल में क्या मेंशन नहीं किया, ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन सॉल्यूशन में उन्होंने एज्यूम किया है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, जबकि सवाल में मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन एज्यूम उन्होंने किया हुआ होगा। तो सिंस अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है, तो आपको पता है जब इवेंट्स दोनों इंडिपेंडेंट हो तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो, मल्टीप्लाई करके। तो उन्होंने मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी निकाली हुई इंटरसेक्शन की, फिर यही वाला फॉर्मूला यूज किया है और उससे ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकाली हुई है जो कि 2/3 है। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल नंबर 209 पे आ जाओ, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 1 ऑन पेज नंबर 209। लेकर मैं 3 कार्ड्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब पहला चूज किया साइड पर रख दिया, दूसरा चूज किया साइड पर रख दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 3 एसेस, अब कैसे निकालोगे भाई, टोटल 52 कार्ड्स है, पहली दफा जब आप कार्ड उठाओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास एस आ जाए, भाई एस के 4 कार्ड होते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 4/52। अब उस एस के कार्ड को आपने उठा के साइड पे रख दिया, अब जो रिमेनिंग 51 कार्ड है उसमें से एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, भाई 3/51, क्योंकि अब 3 एस के कार्ड रह जाएंगे, एक आपने साइड पर रख दिया, और तीसरी दफा जब दूसरी दफा भी आपने साइड पर रख दिया तो आप 50 कार्ड बच गए, 50 में से क्या चांसेस है एस आए, 2/50, क्योंकि अब 2 एस के कार्ड रह गए होंगे, आपको निकालना है। और लिखा हुआ था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 3 एसेस, मतलब तीनों एक साथ होने, तो इसका मतलब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे यहां पे, तो ये काम किया हुआ है आपके पास आंसर आ जाएगा, बहुत ही कम चांसेस है इसके, एक तो ऑलरेडी इनके आने के कितने कम चांसेस हैं, प्लस एक साथ ही हो जाए, कि सोचो 52 कार्ड है, पहली दफा उठाए वो भी एस आ जाए, दूसरी दफा उठाए वो भी एस आ जाए, और तीसरी दफा उठाए वो भी एस आ जाए, और इसमें एज्यूम है एट रैंडम मैंने लिखा हुआ है, मतलब वेल शफल्ड है, ये नहीं कि आपने कार्ड को इस तरह रखा हुआ है कि ऊपर सारे एस पड़े हुए, तो वो तो बाइसनेस होगी ना, तो वेल शफल्ड कार्ड होंगे तो ये बहुत ही अनलाइकली है कैसा हो। एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला था ना, शिपमेंट ऑफ 20 कंप्यूटर्स, 3 आर डिफेक्टेड, 3 कंप्यूटर्स आर रैंडमली पिक्ड एंड टेस्टेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 आर डिफेक्टिव इफ द फर्स्ट एंड सेकंड वंस आर नॉट रिप्लेस्ड आफ्टर बीइंग टेस्टेड। भाई करना क्या, कितने पिक करने, 3 आपने कंप्यूटर पिक करने, और लिखा हुआ है कि आर नॉट रिप्लेस, रिप्लेस नहीं कर रहे, विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो अगेन कंडीशन प्रोबेबिलिटी, तो भाई 3 डिफेक्टिव है ठीक है, और टोटल कितने है, 20 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 आर डिफेक्टिव इफ द फर्स्ट एंड सेकंड वन आर नॉट रिप्लेस्ड। तो वही बात है कि अगर आप पहला यहां पे कंप्यूटर उठाओगे क्या चांस है कि वो डिफेक्टिव होगा, 3/20, क्योंकि 3 डिफेक्टिव है टोटल 20 है। जब दूसरा उठाओगे रिप्लेस नहीं किया साइड पे रख दिया आपने, तो अब कितने कंप्यूटर बच गए, 19 कंप्यूटर, और डिफेक्टिव कितने बचे, 2, तो 2/90। अब आपने उठाकर उसको भी साइड पर रख दिया क्योंकि उन्होंने बोला पहली और दूसरी दफा आपने रिप्लेस नहीं किया, तीसरी दफा तो सवाल ही आपका खत्म हो गया ना, तो पहली दूसरी दफा रिप्लेस नहीं किया, तीसरी दफा क्या होगा, 1/18, मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि तीनों की बात की गई है एक साथ। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा हुआ है सपोज एन इंडिविजुअल अप्लाइंग टू अ कॉलेज डिटरमिन दैट ही हैज एन 80% चांस ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड, कि अगर वो किसी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो 80% चांस है कि उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए, एंड ही नोज दैट डॉर्मिटोरी हाउसिंग, ये मेरे ख्याल में वो हॉस्टल का कॉन्सेप्ट है, कि वो हॉस्टल अगर आपने होता है ना यूनिवर्सिटीज में हॉस्टल होते हैं उसकी बात की गई, ये वर्ड इतना मुश्किल सा लिखा हुआ है ना, सिंपल हॉस्टल लिखा हुआ है समझ लो, कि हॉस्टल विल ओनली बी प्रोवाइडेड फॉर 60% ऑफ ऑल ऑफ द एक्सेप्टेड स्टूडेंट। ये इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने ये नहीं बोला कि जितने स्टूडेंट अप्लाई करेंगे उनको 60% दिया जाएगा, तो ये इंडिपेंडेंट बन जाता, बाद में भी डिपेंडेंट बना सकते थे, लेकिन ये जस्ट प्रोबेबिलिटी होती बी इवेंट की, पहला इवेंट होता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड, और दूसरा इवेंट होता प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग 60% जो भी चांसेस हैं एस हाउस देने के, लेकिन उन्होंने बोला है कि जो एक्सेप्टेड स्टूडेंट है ना उनके अंदर 60% चांस है। एक तो है ना कि जितने लोगों ने अप्लाई किया उनका 60% मिलेगा, जो कि मेक सेंस नहीं कर रहा भाई, दूसरा है कि यार जो एक्सेप्ट हो गए ना स्टूडेंट उनमें से 60% है, जैसे 100 बंदों ने अप्लाई किया 20 उसमें एक्सेप्ट हुए, अब 20 में से 60% ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये हाउस दिया जाएगा,
तो अगर आप सिचुएशन देखो, सवाल में डेटा आपको क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेड ये गिवन है, इसको आप इस तरह लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेड जो कि 80% है, जिसको 0.8 आप कह सकते हो। और दूसरी चीज क्या लिखी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाउसिंग हाउस जो भी है गिवन दैट एक्सेप्टेड, मतलब कंडीशन क्या है कि भाई एक्सेप्ट वाला इवेंट तो परफॉर्म होगा उसके बाद आपने हाउसिंग देनी है। तो यहां पे आपको जस्ट हाउस देने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, आपको बोला हुआ है कि अगर एक्सेप्ट होगा उसके बाद हाउस देने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.6 मतलब 60%। ये चीज दी सवाल क्या है, व्हाट इज द चांस ऑफ द स्टूडेंट बीइंग एक्सेप्टेड एंड रिसीविंग हाउसिंग। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, इसकी दी हुई है, आपको इंटरसेक्शन की निकालनी है। तो 0.8 को 0.6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैंने फॉर्मुला बताया था इंटरसेक्शन का, मल्टीप्लाई कर दोगे जान आपकी छूट जाएगी। ये काम है बाकी सवालों में खुद निकालते थे, जैसे मार्बल वाले सवाल होते थे दूसरी वाली खुद सोच के आप निकालते थे ना, यहाँ पे भी आप सोच के निकाला करते थे दूसरा। यहाँ पे तो दूसरी चीज है ना, ये है तो कंडीशनल इनी टाइप के कॉन्सेप्ट है, लेकिन सवाल में ऑलरेडी आपको दे दिया है कि यार अगर कोई स्टूडेंट एक्सेप्ट हो गया, इसको इस तरह समझ सकते हो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग हाउसिंग गिवन दैट अ स्टूडेंट इज एक्सेप्टेड, कि स्टूडेंट एक्सेप्ट हो गया उसके बाद हाउस मिलने की प्रोबेबिलिटी आपको दे दी है। तो ये कंडीशनल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया और आपके पास आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 4 आखिरी उसमें लिखा हुआ है, अ जार कंटेन्स 3 red, 5 green, 2 blue, 6 yellow marbles। अ मार्बल इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द जार आफ्टर रिप्लेसिंग इट। अब देखो अगर रिप्लेस कर दिया तो अब ये कंडीशनल नहीं है, अब ये डिपेंडेंट नहीं है, अब ये इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। आफ्टर रिप्लेसिंग इट अ सेकंड मार्बल चूजिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ ग्रीन देन अ येलो मार्बल, कि बताओ पहले ग्रीन आ जाए और दूसरी दफा येलो आ जाए। तो इसको इस तरह समझो कि पहला मार्बल आप चूज करोगे, क्या प्रोबेबिलिटी है वो ग्रीन हो, टोटल कितने ग्रीन है, टोटल 5 ग्रीन है, और ओवरऑल कितने मार्बल है, 16 मार्बल है। अच्छा अब आपने रिप्लेस कर दिया, उसको रख दिया दोबारा, तो इसका मतलब अब ये इंडिपेंडेंट बन गई, अब डिपेंडेंट नहीं है ये। और दूसरी दफा क्या था, देना येलो मार्बल, अब येलो मार्बल आने के कितने चांसेस है, टोटल येलो मार्बल है 6 और ओवरऑल कितने थे, 16 थे। अगर ये डिपेंडेंट होता तो आप लिखते 6/15, क्योंकि एक मार्बल आपने साइड पे रख दिया था, लेकिन इस सवाल में बोला कि रिप्लेस कर दिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6/16 रहेगी। और लिखा हुआ उन्होंने कि दिस इज द केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। बच्चों इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में 6.4 सॉल्व करनी है और ये हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा।